सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं कि आज आप हमारे कहने पर यहां पर आए। आप लोगों के माध्यम से हमारा किसान भाइयों का ये कहना चाहता हूं मैं आप सबको कि जो पिछले दिनों ये जो बिन मौसम की बारिश और बिन मौसम की जो ओला वर्षा हुई है, उससे बहुत बहुत किसानों को इसका नुकसान हुआ है। जो हमारे स्पेशल जो आरएसपुरा बेल्ट है, 70% लोग यहाँ पे किसानी करते हैं और इस किसानी के ऊपर ही इनका जो पूरा घर का खर्चा, हर चीज इन्हीं के ऊपर निर्भर है। मैं सरकार से ये चाहता हूँ और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये डिमांड रखना चाहता हूँ उनके सामने भी, कि जो पिछली बार, इससे पिछले साल भी यही बिन मौसम की बरसात हुई थी, जिससे फसलें खराब हुई थी और उन्होंने पर कनाल 675 रुपये का उन्होंने मुआवजा दिया था किसानों को, जिससे ये 675 रुपये का मुआवजा है। क्या उनको लगता है कि ये 675 रुपये का मुआवजा पर कनाल का जायज है? ये बिल्कुल नाजायज है। मैं चाहता हूँ कि हर किसान को कम से कम 2,500 रुपये पर कनाल का खर्चा मिलना चाहिए, जितना भी खराबा हुआ है। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो दो ही फसलों पे निर्भर ना रहें, आप इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ भी अपना ध्यान दें, क्योंकि हम एक सीजन में कम से कम भी 2 से 3 फसलें उगा सकें। मशरूम की फसल है और काफी फसलें हैं जिसमें हम अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्ट करके, उनसे मेलजोल बढ़ा के, हॉर्टिकल्चर के साथ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के हम एक अच्छी इंटेंसिव फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें, जिससे हम हमारा कृषि, आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और आपको इसका नुकसान भी बहुत कम होगा। धन्यवाद।